नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे अक्सर बहुत संशय बना रहता है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस विषय पे बात करने के लिए बहुत बारी कहा कि जो लगन कुंडली है उसके रिजल्ट निकालने के लिए क्या हमें चलित कुंडली देखनी चाहिए या नहीं देखनी। तो आज हम इस विषय में बात करने के लिए बैठ रहे हैं कि हम लगन कुंडली और चलित कुंडली को दोनों को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो दोनों कुंडलियों को देखता हूं और दोनों पे अभ्यास करता हूं। तो इस क्रम में हम आज स्वागत कर रहे हैं एक नए वक्ता का। हमारे बीच में है मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखी है, लेकिन आज बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर है और ये एक इतनी परिपक्व है कि इनके निकाले हुए निष्कर्ष और विश्लेषण किताबों में लिखे विश्लेषणों से भी बेहतर लिखे होते हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से स्वागत कर रहा हूँ। हमारी आज की अतिथि हैं शालिनी मिश्रा। शालिनी जी एक प्रोफेसर रही हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर थी और अभी फिलहाल आजकल लॉकडाउन है तो सब जने घर पे हैं, तो मैं आप सभी के सहयोग से उनसे आग्रह करते हुए यह प्रश्न करूंगा कि उनका ज्योतिष से लगाव कैसे हुआ, क्योंकि एक लेक्चरर होते हुए उनका उनके पास ये समय कहाँ से आया, उनकी दिलचस्पी कैसे हुई और उन्होंने किन किन गुरुओं से सीखा है, उनके प्रति जो वो दो शब्द कहना चाहें वो कैसे। नमस्ते सर। सर यहाँ मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरी एजुकेशन के बारे में स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि वहीं से मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत डेवलप हुआ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक एमटेक अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में किया है। उसके बाद हमारे जो सिविल में जो सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिकली बिल्डिंग सर्विस, उन सर्विसेज से रिलेटेड आप देखेंगे जब हम बिल्डिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तब हम ओरिएंटेशंस वगैरह सब कुछ वहां पर कंसिडर करते हैं। ऐसे केस में सर हम बेसिकली वास्तु को कंसिडर करते हैं वहां पर, जिसको यहाँ बिल्डिंग एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी के नाम से बोला जाता है। तो सर जब से मैंने ये सब चीजें उसमें देखी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चीजें एंशियंट साइंस से ही कनेक्टेड है और इस चीज में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट वहीं से डेवलप होना शुरू हो गया था। उससे पहले भी सर काफी धार्मिक रहे हैं तो इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहा है और लगा है कि हाँ कुछ है ऐसा बैकलॉग में, कुछ हैं चीजें पीछे जिनको पढ़ना चाहिए, जो जिनकी वजह से चीजें आगे आ रही हैं। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट आता गया और मैं इसको फॉलो अप करती गई। धीरे धीरे करके मैं एस्ट्रोलॉजी में आई और क्योंकि वास्तु एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो मैं उसमें आई। और सर मुझे लगा कि ये एंशियंट साइंस को लोगों के सामने, आज की जनरेशन के सामने होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मिथ है, एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो लोगों को सिर्फ कुछ गलत बताते हैं या उनका कोई बेस नहीं है, बेसलेस चीजें हैं, चूंकि इंपेरिकल फॉर्मूलाज नहीं है तो हम उनको प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोगों को ये बताना है कि मॉडर्न साइंस जो है लाइक वो एक बेबी है, एंशियंट साइंस इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। तो उनको ये चीज बतानी है कि कहीं ना कहीं चीजें वहीं से निकली हैं। सर एक छोटी सी बात मैं कहूंगी, सोलर इक्लिप्स के ऊपर इतना कुछ हुआ था अभी जिसमें ज्योतिष लोगों को काफी वो किया गया। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं दोनों का फेवर करती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बेबी अपने फादर को ऐसे उंगली क्यों उठाता है कि आप नहीं हो, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो मुझे ये लगता है जो मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट सबको पता है कब से हुआ और उसके पहले से हमारे ज्योतिष जो है वो सोलर एक्लिप्स कब होगा ये निकालते आ रहे थे, सूर्य ग्रहण कब होगा ये कैलकुलेट करते आ रहे थे। तो आज की डेट में उनसे पॉइंट आउट उठा देना कि नहीं आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो चीज सर मुझे लगी। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को बहुत सारी चीजें हमारी एंशियंट साइंस के बारे में पता होनी चाहिए और मैं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मुझे ये है कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि ये एक मिथ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, आप इसको जानिए। ये इतनी एंशियंट साइंस हमारी इतनी वैल्यूएबल, इतनी प्रीशियस साइंस है जो लोगों हर जन जन तक होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो आप किन किन गुरुओं से सीखे, कुछ उनके बारे में कुछ? हाँ जी सर, मैंने सर फिर स्टार्ट किया और मुझे लगा कि गुरु के बिना शिक्षा अधूरी होती है। तो आप हमने भले ही बुक से पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा, लेकिन एक गुरु का जो मार्गदर्शन होता है वो लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तो सर मैंने SP गौड़ सर से स्टार्ट किया था और वो मतलब वो भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सर हैं और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद सर हम आपसे कनेक्ट हुए और आपसे सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक वास्ट जो मेरा बहुत
ज्यादा डेस्परेट वाला इंटरेस्ट था, आपने उसमें इतने कंसेप्ट क्लियर किए, इतने कंसेप्ट क्लियर किए कि आज हमको वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है लग रही हैं और हम उनको बहुत यूज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हाँ लोगों की परेशानियों से बाहर निकलने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो सर वो आपका जो वे था टीचिंग और आपने जो मेडिकल पढ़ाया सर, दैट इज ऑफ नो कंपैरिजन। चलिए हम अब आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है, चलिए देखिए मित्रों, आज हम आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लगन कुंडली, जिसे हम राशि कुंडली भी कहते हैं, और चलित कुंडली, क्या दोनों देखनी जरूरी है या दोनों में से किसी एक को ही देखना जरूरी है? तो मैं पहले आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि लगन कुंडली होती क्या है, या जिसे राशि कुंडली कहा जाता है वो होती क्या है। चलित कुंडली को जब हम समझने की बात करेंगे तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि लगन कुंडली होती क्या है और बनती कैसे। देखिये कोई भी जब जातक या जातिका का जन्म होता है तो उसका सिर हम पूर्व दिशा की तरफ करके हम उसकी जो एक आसमान का चित्र लेते हैं उसे हम लगन कुंडली कहते हैं। पंचांग डेली देखकर हम तय कर लेते हैं कि आज कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है और कितनी डिग्री में है। तो इस प्रकार से हमें नित्य प्रति ये समझ में आता रहता है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितनी डिग्री पे आज कितने बजकर कितने मिनट पे है और वो कितनी स्पीड पे चल रहा है। उसके आधार पे हम ये तय कर लेते हैं कि वो आज पूरे दिन में किस गति से कहां तक कितनी डिग्री और आगे जाए। ये सब हमारे लगन कुंडली चार्ट में मेंशन होता है कि गति क्या है, ग्रह की गति क्या है। अब भाव तय करने के लिए जो होता है उसके लिए हमारा जो है सुबह के समय सूर्य उदय के साथ जो है हम देखते हैं कि लगन जो है सूर्य उदय के समय जहां पे है तो वहां पे सूर्य उदय को गिना जाता है। सामान्य तौर पर हम 6 से 8 बजे का टाइम जो है वहां देखते हैं और जब 8 से 10 सूर्य जो होता है वो 12वें भाव में पहुंच जाता है। 10 से 12 का जो समय होता है उस समय वो एकादश भाव में होता है और 12 से 2 का समय सामान्य तौर पे वो जो है 10वें भाव में होता है और इसी तरह से 9वां भाव होते 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 वो पूरी परिक्रमा करके सुबह अर्ली मॉर्निंग में फिर वो 6 बजे के करीब हम उसको गिनते हैं। एक्यूरेसी के लिए अगर हम जो सूर्य उदय का समय लेंगे तो हमें एक्यूरेसी हमारी निकल जाएगी कि कब सूर्य उदय हुआ और कब सूर्य अस्त हुआ, तो हम उसको सही से विभाजित करके तय कर सकते हैं। दिनमान और रात्रिमान के आधार पर इसका विभाजन बदल। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे अब तक कि कोई भी ग्रह राशि में तो निश्चित रूप से हमें पता चल चुका होता है कि वो पहुंच गया है, लेकिन अगर वो लगन कुंडली में भाव में, क्योंकि भाव जो है वो 30 डिग्री का है और मान लीजिए 0 डिग्री पे भाव शुरू हुआ और कोई ग्रह 26 डिग्री पे बैठा है तो राशि में तो वो दिखाएगा लेकिन भाव में क्या वो उतनी दूरी पे है और वो दूरी का क्या महत्व है। आज हम इसको बड़े साइंटिफिक तरीके से आपको समझाएंगे कि दूरी का महत्व क्या है और वो दृष्टियों का महत्व क्या है और दृष्टियों का सही जो साइंटिफिक अर्थ क्या है, यही आज हमारा चर्चा का विषय रहने। तो इस तरह से एक ग्रह जो है वो पूरी परिक्रमा करता है, हम सूर्य को मुख्य रूप से इसके अंदर देखते हैं। अब कोई भी ग्रह एग्जैक्ट कितनी डिग्री के डिस्टेंस पे है, मान लीजिए कोई ग्रह हम मानते हैं कि सामने अपने सामने बैठे ग्रह को देखता है या कहें तो उसके ऊपर पूरा प्रभाव डालता है तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तभी निकाल सकेंगे जब हम अगर हम ये देख पाएंगे कि वो एग्जैक्टली 180 डिग्री के डिस्टेंस पे है या नहीं है। राशि के अनुसार हमें कभी कभी लगेगा कि वो एक दूसरे के सामने वाली राशि में बैठे हैं लेकिन उनकी डिग्रियों में बहुत अंतर हो सकता है। मान लीजिए कोई ग्रह 2 डिग्री पे बैठा है और दूसरा ग्रह 28 डिग्री पे बैठा है तो वो 180 डिग्री तो कभी भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी जो इसके लिए एक बहुत साधारण एक उदाहरण के तौर पे कुंडली का मैं दिखाता हूँ। एक ये बच्चे की कुंडली है, एक इंजीनियर है ये बच्चा। आप लगन कुंडली में देखेंगे सिंह लगन की कुंडली है और बुध और सूर्य जो लग्नेश है वो वहां पे बैठ गए हैं 9वें भाव में, गुरु बैठे हैं 5वें भाव में और अष्टम में जातक के जो है मंगल शनि और चंद्रमा और केतु बैठे हैं। लेकिन अब जैसे ही हम इसकी चलित कुंडली पे नजर डालते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि गुरु जो है वो यहाँ पर 6वें भाव में आ गया और मंगल और केतु दोनों के दोनों, क्योंकि मंगल इस कुंडली का योग कारक ग्रह भी है और नवमेश भी है, तो वो 9वें भाव में चले गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कुंडली में ग्रहों के रिजल्ट क्या वो सेम रहेंगे, आप ही मुझे बताइए। यहाँ पे एक विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है क्योंकि गुरु जो है वो शनि से परिवर्तन करेगा और ऐसा विपरीत राजयोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली में भी रहा है, उनकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग पूर्ण बन रहा था। यहाँ पे अगर आपको जो अगर हम रिजल्ट निकालने लगेंगे तो मैं यहाँ पे रिजल्ट इस प्रकार से निकालूंगा
मंगल और केतु मीन राशि के रिजल्ट तो देंगे, लेकिन भाव जब मैं तय करूंगा तो मैं उनका नवम भाव के आधार पे उनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करूंगा। और सूर्य से बनने वाला जो संबंध है उस योग को बहुत ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि वो नवम भाव की क्वालिटीज दोनों के अंदर है और मीन राशि के रिजल्ट साथ में जोड़ूंगा। जब मैं इस चीज को लिखूंगा कहीं पे तो मैं इस प्रकार से इसकी व्याख्या करूंगा। और राहु द्वितीय भाव में और राहु तृतीय भाव में, इसमें भी आप समझ सकते हैं कि दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। रिजल्ट्स के साथ साथ यहाँ पे व्यक्ति की व्यक्तित्व में पूरी ही तरह से परिवर्तन आ गया। अब हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारी शालिनी मिश्रा जी जो है एक लेक्चरर हैं, जो उन्होंने यही सब्जेक्ट्स को अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, वो अब यहाँ हमें बताएं। फिर इसके बाद हम उनसे ज्योतिष में भी इसके ऊपर उनका अनुभव जानने की। शालिनी जी आप बताइए इसके विषय में। जी सर। सर यहाँ पर बात बेसिकली हम, क्योंकि अब भाव और चलित को जो डिफरेंस आप बता रहे हैं बिल्कुल उस पर ही बात कर रहे हैं, ग्रहों से रिलेटेड सब कुछ है और सारा जो सौर्य मंडल है वो सिर्फ एनर्जी लाइट का खेल है। तो बेसिकली यहाँ हम लाइट के को लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए कि एक्चुअल चीजें कैसे होती हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिजिक्स में सभी 11th 12th में पढ़ चुके होते हैं उसी के ऊपर हम बात करते हैं। सर रिफ्लेक्शन जो है लाइट का, वो बेसिकली सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट आती है तो वो बाउंस करती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल से बाउंस करती है। अगर वो सरफेस आपका बहुत ही स्मूथ है, ग्लास है या चिल वाटर है, इस तरह का सरफेस है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जिस एंगल के साथ सरफेस पर वो लाइट पड़ रही है और जिस एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो दे बोथ आर सेम। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। तो ये तो हो गया जब स्टिल है सरफेस, लेकिन जब अंडुलेटेड है, हम्पी एरिया है और थोड़ा उबड़ खाबड़ सा सरफेस आप ले सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों एंगल्स चेंज हो जाएंगे। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है उस एंगल से वो रिफ्लेक्ट लाइट नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट सर ये है दोनों में डिफरेंस। सर एक लेक की फोटोग्राफ इसमें है जो एग्जाम्पल के तौर पे है। सर इसमें ये पानी इतना स्टिल है कि एज इट इज जो पिक्चर है वो मिरर की तरह नीचे पूरी दिखाई दे रही है। तो ये हमें विजिबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो सरफेस स्टिल है, दूसरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोथ आर सेम, तो इसे हम स्पेक्युलर कह रहे हैं। और अगर यही पानी हिल रहा होता तो ये पिक्चर हमारी पूरी हिल रही होती और हमको इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होता। ये इनमें डिफरेंस है। अब बेसिकली हम सर बात कर रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। ये तो रिफ्लेक्शन लाइट कैसे होती है ये हो गया। अब हम क्यों रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्फेसिस पे बात कर रहे हैं। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। यहाँ मिरर के ऊपर तो ये फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट हुआ, इसलिए हमेशा कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, जो मिरर में भी होते हैं बेसिकली, कार की लाइट्स शीशे हम सब में होते हैं। हमारी जो आंख का रेटिना है, आंख है, वो भी कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्स है। तो इस हिसाब से इसीलिए इसको बताया गया है। तो इसको मिरर के फॉर्मेशन में बताया कि जितनी भी पैरेलल लाइट रेज हैं वो जब किसी कॉनकेव पर पड़ेंगी, यानी कि स्पून लाइक सरफेस पर पड़ेगा, तब उस एंगल आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो तो सेम है, क्योंकि ग्लासी एरिया हो गया, स्मूथ हो गया, बट उनका जो फोकल पॉइंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि सारी की सारी आकर कहीं ना कहीं एक जगह मीट कर जाएंगी, जिससे कि विजिबिलिटी उस शीशे में देखने की विजिबिलिटी आपकी आ जाएगी। ये जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स का जो सरफेस है वो पूरा आपका, जैसे आपकी आई है बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस तरह का सरफेस है। ऐसे केस में सेम वही कंसेप्ट है, लाइट रेस पड़ रही है लेकिन अब ये सब आउटवर्ड जा रही हैं। पहले इनवर्ड आ रही थी तो फोकल पॉइंट आपका सामने बन रहा था, अब इन आउटवर्ड जा रही हैं, तो यहाँ एक इमेजिनरी फोकल पॉइंट आपके जो सरफेस है उसके पीछे डेवलप हो गया, जो कंसेप्ट सीधे हमारी आंख का है कि पीछे की तरफ इमेज बनती है आंख में। तो ये जो आई का कंसेप्ट है वो सेम ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यही कॉन्वेक्स सरफेस, तो यही सर सरफेस जो है हमारा कॉन्वेक्स, यही सरफेस सेम हमारा होता है प्लैनेट्स में। अब चाहे वो राउंडेड है, सर्कल है या स्फेरिकल है, कुछ भी है, लेकिन जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। अब उस कॉन्वेक्स सरफेस पर जब सन की जो लाइट है वो सिर्फ अर्थ पे तो पड़ती नहीं है, और भी प्लैनेट्स पर पड़ती है, तो जब वो सेम एक उस और प्लैनेट्स पर जाती है तो वही सेम आउटवर्ड डायरेक्शन में जो लाइट रेज हैं वो जाएंगी और फोकल पॉइंट, इमेजिनरी फोकल पॉइंट उस सरफेस के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो अब सर ये जब अर्थ पर आ रही है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं उसकी, सन की जो लाइट रेज हैं, और बाकी प्लैनेट्स की हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो ना हमें दिखाई दे रही हैं ना हम उनको समझ पा रहे हैं, बट बेसिकली कहीं ना कहीं वो सन की जो लाइट है वो दूसरे प्लैनेट्स पर भी इफेक्ट डाल रही है
और वो प्लैनेट्स एक दूसरे पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं, और वही प्लैनेट्स क्योंकि सनलाइट वहां जा रही है तो वो सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो अर्थ पे भी इफेक्ट डालकर अर्थ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन पर भी इफेक्ट डाल रहे हैं। सर कंसेप्ट ये है। बहुत बढ़िया, मैं हमेशा ही ये बात बोलता रहता हूँ कि जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं, सौरमंडल में सूर्य का जो रोशनी और उनकी जो सूर्य से निकलने वाली एनर्जी है, वो प्रभाव सिर्फ पृथ्वी पे नहीं दे रही है। पृथ्वी से जब जो पृथ्वी पे जैसे सूर्य की जो किरणें आती हैं, वो हमारे में ऊर्जा देती हैं, हमारे को एनर्जी देती हैं, और हमारे में जो भी आज जितना भी जीवन के लिए रहने लायक कोई भी चीज है, तो सूर्य और चंद्रमा के कारण से, मौसम है उन्हीं दोनों के कारण से, हमारे दोनों के एंगल के कारण से पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन और जितने और जीवन में रहने लायक जो जो चीजें हैं, वो सभी वनस्पति हो गया या कोई भी चीज होगी, वो उन्हीं के कारण से ये हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। जैसे हम इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण अगर कहें तो जब चंद्रमा जब होता है अमावस का हो और चंद्रमा पूर्णिमा का हो, तो हमें बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। जब सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा दे रहा होता है दोपहर में, तो हमें उस सूर्य की शक्ति का हमें एहसास हो जाता है गर्मियों के दिनों में। ये पृथ्वी के एंगल और सूर्य और चंद्रमा के कारण से बनता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सूर्य और पृथ्वी के और चंद्रमा के कारण से हो रहा होगा, अन्य ग्रहों पे नहीं हो रहा होगा? तो हर ग्रह की अपनी ऊर्जा और एक ऑरा होती है, तो वो ऑरा और ऊर्जा जब रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी पे प्रभाव डालती है, उसका प्रभाव जो है वो एंगल, जिस एंगल से हमें ऋषियों ने बताया, जैसे मंगल के लिए हम बात करते हैं, तो मंगल में उन्होंने 90 डिग्री, 180 डिग्री और 210 डिग्री के बारे में बताया कि इस डिग्री के दृष्टि कहने का अर्थ उनका यहाँ पे वो एंगुलर पोजीशन बताई है उन्होंने कि इस एंगुलर पोजीशन में जब भी मंगल के वहां पे कोई चीज आएगी, तो वहां उस एंगुलर पोजीशन में वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। अब कुंडली में मंगल किस क्वालिटी का है, उसके आधार पे वो उस डिग्री पे वहां पे जाके सबसे अधिक प्रभाव डाले। लेकिन मैंने फिर मैं वही आता हूँ कि अभी हम अगर सबसे पीछे जाके दोबारा देखें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लगन कुंडली में आप देखेंगे दोबारा से कि लगन कुंडली में मंगल जो है अष्टम भाव में दिख रहा है मीन राशि के अंदर, लेकिन जैसे ही मैं इसको चलित कुंडली में देखता हूँ, तो उसकी एग्जैक्ट डिग्री वाइज पोजीशन जो लगन की डिग्री के आधार पे निकाली गई है वो बनती है, तो वो नवम भाव में आ जाती है। तो यहाँ पूरी तरह से रिजल्ट्स में परिवर्तन आ जाएगा। अब मैं आपको इससे भी एक और गंभीर बात बताता हूँ कि इस चीज का क्या महत्व है और क्यों महत्व है। कि ये सभी के सभी जो मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं एक जगह पे लिखा है दीप्तांश, ये प्रत्येक ग्रह की एक दीप्तांश दी हुई है। जैसे सूर्य की दीप्तांश 15 डिग्री है और चंद्रमा की 12 डिग्री है, मंगल की 8 डिग्री है, बुध की 60 डिग्री है और गुरु की 9 डिग्री है, शुक्र की 60 डिग्री है और शनि की 9 डिग्री। अब इस दीप्तांश का क्या रियल में अर्थ है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम सारी चर्चा का जो उद्देश्य है वो क्या है। देखिए सूर्य की जैसे 15 डिग्री है, तो इसका मतलब मान लीजिए सूर्य जो किसी के सामने जो एंगुलर पोजीशन में आता है, क्योंकि सूर्य तो सप्तम दृष्टि रखता है, प्राचरी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो सप्तम दृष्टि रखता है तो वहां पे वो 15 डिग्री यानी कि एग्जैक्ट जो उसकी 180 डिग्री होती है, उसमें से 7.5 डिग्री इधर और 7.5 डिग्री उधर तक की पूरी रेंज में वो अपना प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर कोई ग्रह उसकी इस दीप्तांश से बाहर है, तो सूर्य उसको उस तरह से प्रभावित नहीं करेगा, चाहे वो सामने वाली राशि के अंदर बैठा हुआ नजर आ रहा है। और उसी तरह से चंद्रमा की 12 डिग्री है, तो अगर चंद्रमा किसी को अपने 180 डिग्री में कहीं प्रभाव डालने की क्षमता जो रखेगा, लेगा या देगा, दोनों तरीके के प्रभाव यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो 12 डिग्री है यानी कि 180 से एग्जैक्टली यानी 174 एंड 186 का जो क्षेत्र रहेगा वहां पे पूरा प्रभाव डालेगा। या अन्य ग्रहों का भी जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो उससे आप देखकर समझ सकते हैं। शालिनी जी, मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूंगा, क्योंकि हम जब अभ्यास करवा रहा था, मैं आप सबको जब सीख रहे थे आप लोग पूरे ग्रुप में, मैंने जब आपको ये इसका इम्पोर्टेंस बात करी कि भाई जो चलित कुंडली होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब एंगुलर पोजिशन ये सब मैंने वहां पे भी आपसे चर्चा करी थी, तो उस प्रकार की जब आपका अभ्यास हुआ और आपने इसके आधार पे जब कुंडलियों पे विश्लेषण करना शुरू किया, तो आपके आधार पे कितने परसेंट इससे आपके रिजल्ट्स में परिवर्तन आया और किस प्रकार का परिवर्तन आया? सर बहुत चेंज है, क्योंकि लगन कुंडली जो है वो बेसिकली राशियों पे बेस्ड होती है और भाव चलित कुंडली भाव के आधार पर रिजल्ट देती है। तो राशि में ग्रह का होना और किसी भाव में बैठना बहुत डिफरेंस है, दोनों के सिग्निफिकेटर्स बदल जाते हैं, सिग्निफिकेशंस बदल जाते हैं।
एंगल्स बदल जाते हैं और उनके एस्पेक्शंस बदल जाते हैं, एसोसिएशन भी बदलते हैं, यानी कि युति वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, तो उनके टोटली रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं। और कई बार हमें लगता है कि एक्चुअल रिजल्ट ये होने चाहिए थे बट निकलकर कुछ और आते हैं। तो ये सर है बिल्कुल, क्योंकि मार्स जैसे सर 90, 180 और 210 डिग्री पर अगर एस्पेक्ट कर रहा है और भावचलित में जाके उसकी पोजिशन चेंज हो गई है, तो वहीं आकर अगर वो सेकेंड हाउस में आके बैठ गया है तो यही वो फिफ्थ, सेवेंथ और एट्थ पर दृष्टि डालने लगेगा। तो ये चीजें पूरी बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्लीटली बदल जाते हैं। तो आपका ये अनुभव, आप भी अनुभव कर रहे हैं कि इस प्रकार से, क्योंकि आज आजकल तो आप अपने अभ्यास में लगे हुए हैं, अपना आप लोग प्रिडिक्शन करते हैं, आपके जो है क्लाइंट्स हैं तो उनको कंसल्टेंसी देते हैं, तो आपको खुद को ये महसूस हुआ है कि क्या आपकी एक्यूरेसी में अंतर आया और इसके कारण से जो आपके क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा संतुष्ट हैं? जी सर बिल्कुल सर, ये चेंज तो है, क्योंकि सर चलित कुंडली का अपना बहुत महत्व है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लैनेट एक्चुअली में किस हाउस में है। तो सर चेंज है रिजल्ट्स में, सर बहुत चेंज है प्रेडिक्शंस। देखिए बहुत अच्छा, आज जो विषय है इसको हमने एक साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं नहीं जानता हूँ कि कितने लोगों को इससे समझ में आया या लाभ हुआ या नहीं हुआ, हमारी कोशिश रही कि हम इसको बहुत अच्छे से समझा सकें। आज हमने शालिनी जी को यहाँ पे फर्स्ट टाइम बुलाया था, तो मेरा नंबर तो जनरली लगभग सभी के पास है, शालिनी जी का मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप से मैसेज करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उनका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे, मेल के थ्रू आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनसे आप कंसल्टेंसी के लिए अपना और किसी विषय के ऊपर और जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर कोई बात करनी है तो आप उनको मैसेज करके आप बात कर। तो मैं इस बहुत अच्छे एक साइंटिफिक वीडियो और एक बहुत अच्छी एक गंभीर चर्चा जिसमें साइंस बेस के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी है, उसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।